अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे कराची में एक और नई जगह एक्सप्लोर करने हैं। तो बेसिकली जिन लोगों को सी व्यू से है बहुत प्यार और वो साफ सुथरा समंदर देखना चाहते हैं तो उनके लिए ये जगह। तो गाइस हम आए थे बेसिकली एमआर टावर पे। सी व्यू से थोड़ा सा आगे ये जगह है। जैसे आप एमआर टावर से एंटर होते हैं तो आपसे 1000 रुपीज एंट्री चार्जेस लेते हैं, जिसमें से आप 900 रुपीज अंदर कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अंदर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, एक कैफे है और एक पार्क बना हुआ है, तो आप जो चाहें उनमें से खरीद सकते हैं 900 का। तो गाइस हम सबसे पहले आ गए सी सॉल्ट रेस्टोरेंट पे। इसके बिल्कुल सामने का ये सी व्यू का व्यू देखें, कितना ही खूबसूरत व्यू है। और हम रेस्टोरेंट से ज्यादा इस व्यू को देखने आए थे, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू बनाया हुआ है, इसको एंजॉय करने आए थे। और इसको देख के ही हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हम बहुत रिलैक्स हो रहे थे। ये इन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं सिर्फ वो पानी के अंदर जा सकते हैं, आम लोगों के लिए एंट्री अलाउ नहीं है, वो रेस्टोरेंट या कैफे या स्टोर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलें हम आपको सबसे पहले सी सॉल्ट रेस्टोरेंट दिखाते हैं। एस्थेटिकली बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था, जैसे इसका नाम है सी सॉल्ट, तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि हर जगह हमें सी सॉल्ट वाला वो लुक दे सके। इन्होंने बाहर स्विंग बनाया हुआ था, ये बाहर वाला पूरा एरिया यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं और अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत है। तो जो लोग पिक्चर्स के शौकीन है, एस्थेटिक फोटोज पसंद करते हैं, एस्थेटिक रेस्टोरेंट्स में आना इंजॉय करते हैं, तो ये रेस्टोरेंट है उनके लिए। अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था, यह पूरा देखें आपको बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ था, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल। और ये फर्स्ट फ्लोर है इनका पूरा, इन्होंने यहाँ पे भी बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ था। आप इनकी प्लेट्स देखें, क्राफ्ट्स बने हुए हैं, फिशेस बनी हुई हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप सी सॉल्ट रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। हमने ब्राउनी विद आइसक्रीम ऑर्डर की थी, जिनको डार्क चॉकलेट पसंद है उनको ये ब्राउनी पसंद आएगी। बाकी इनका खाना एवरेज था, खाने की क्वांटिटी प्राइस के हिसाब से कम थी, यानी कि अमाउंट बहुत कम था एज कम्पेयर टू प्राइस। यहाँ इन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक था, सेफ्टी थी और आप यहाँ पे वॉक करते हुए इंजॉय कर सकते हैं। दी सेनेटर कैफे के नाम से इन्होंने एक कैफे बनाया हुआ था। आप जो एंट्री के टाइम 1000 रुपीज़ देते हैं उसमें से 900 आप यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वो आपको एक कूपन देते हैं, वो आप चाहे सी सॉल्ट पे यूटिलाइज करें, सेनेटर कैफे पे यूटिलाइज करें या इनके एक मार्ट बना हुआ है वहाँ पे यूटिलाइज करें। हम वॉकिंग ट्रैक पे वॉक करते हुए इस खूबसूरत व्यू को इंजॉय कर रहे थे। इधर ही इन्होंने एक मार्ट बनाया हुआ था जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जहाँ आप कूपन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इनका मार्ट है, यहाँ पे हर ग्रॉसरी की चीज़ें अवेलेबल थी, बेकरी आइटम्स और मोबाइल आइटम्स हर चीज़ अवेलेबल थी जो भी कोई मार्ट में होती है। और ये आपको पता है ये असली का फ़ोन था एंड नोकिया का इन्होंने न्यू फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाया और सिर्फ 3000 का है, तो हाथ पे पूरा नहीं आ रहा था। और ये इनका स्पीकर है, आपका एक छोटा सा स्पीकर है जो आपको पूरे रूम जितनी वॉइस दे रहा था। तो खैर हम आपको दिखाते हैं वॉकिंग ट्रैक, यहाँ से मार्ट से आप जैसे बाहर निकलते हैं तो ये सी व्यू का पूरा व्यू है जो आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आप आके सुकून महसूस करते हैं और उनको अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। तो आपको ये जगह कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।